मैं बहुत खुशनसीब हूँ आप लोगों के साथ. मैं यहाँ आई निशस दिल्ली में गुलजार जी का 85th बर्थडे में शरीक हुई हूँ. वाकई मैं पहले तैयार नहीं थी, लेकिन यहाँ आई, माहौल देखा तो मुझे अच्छा लगा और कुछ प्रेरणा भी मिली कि मैं भी कुछ बोलूँ उनके लिए. तो वैसे तो शायरी बहुत पसंद है ही, और वो एक अच्छे पिता भी हैं, वो एक अच्छे शायर भी हैं, वो एक अच्छे गीतकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, लेकिन वो एक अच्छे दोस्त हैं, यारों के यार हैं. आर डी बर्मन से उनकी जितनी अच्छी बनती थी, उसका एक उनकी एक लिखी हुई थोड़ी सी रचना है, वो मैं बोलना चाहूँगी. पंचम बोलते थे, आप सभी जानते हैं आर डी बर्मन को, तो वो पंचम को याद कर रहे हैं उनके जाने के बाद. याद है बारिशों का दिन पंचम, जब पहाड़ी के नीचे वादी में धुंध से झांक कर निकलती हुई रेल की पटरियां गुजरती थी. याद है बारिशों का दिन पंचम, जब पहाड़ी के नीचे वादी में धुंध से झांक कर निकलती हुई रेल की पटरियां गुजरती थीं. धुंध में ऐसे लग रहे थे हम जैसे दो पौधे पास बैठे हों. धुंध में ऐसे लग रहे थे हम जैसे दो पौधे पास बैठे हों. हम बहुत देर तक वहाँ बैठे, हम बहुत देर तक वहाँ बैठे, उस मुसाफिर का जिक्र करते रहे. हम बहुत देर तक वहाँ बैठे, उस मुसाफिर का जिक्र करते रहे जिसको आना था पिछली शब, जिसको आना था पिछली शब, लेकिन उसकी आमद का वक्त टलता रहा, लेकिन उसकी आमद का वक्त टलता रहा. देर तक पटरियों पे बैठे हुए ट्रेन का इंतज़ार करते रहे. ट्रेन आई ना उसका वक्त हुआ, ट्रेन आई ना उसका वक्त हुआ, और तुम यूं ही दो कदम चलकर धुंध पर पांव रख के चल भी दिए. ट्रेन आई ना उसका वक्त हुआ, और तुम यूं ही दो कदम चलकर धुंध पर पांव रख के चल भी दिए. मैं अकेला हूँ धुंध में पंचम.